प्यारे बच्चों आदाब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। पहले हम कल का होमवर्क टैली कर लेते हैं। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैंने जो नोट्स आपको डाले थे उसमें गलती से मैंने यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस लिख दिया था, फिर मैंने करेक्शन करके आपको फिर से डाल दिया था। हो सकता है आपने इसको देखा हो। तो इसमें हमने फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस फिल करना है। मैंने कल आपको बताया था कि पार्ट वन में एक्सेप्ट जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ पे फर्स्ट पर्सन में शल लगना है, और बाकी जगह पे आप फ्री हो कि कहाँ पे आप शल लगाओगे कहाँ पे विल लगाओगे। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। क्योंकि वी है तो पहले हम यहाँ पे शल लगाएंगे। वी शल मीट यू एट द म्यूज़ियम। विल यू लैंड मी ए पेन। Will they not win the competition? She will not forget to come. Will he not sail the boat? You will enjoy the expedition. यहाँ पे क्वेश्चन है तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे shall ही आएगा। Shall I order this? Will you not wait for me? We will not बी लेट। ठीक है। ही विल नॉट, ही विल सेंड अस द न्यूज़। आई शैल नॉट लूज माई वे। विल दे वॉच द प्रोग्राम। अब चलिए आगे। यहाँ पे हमने देखा था कि कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पे हम फर्स्ट पर्सन के साथ विल लगाते हैं और सेकंड पर्सन के साथ शैल लगाते हैं, और वो है जहाँ पे हम कहीं पे कोई कंपल्शन हो या डिटर्मिनेशन हो तो वहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे पहला सेंटेंस है, दे डैश द टिकट्स। वो टिकट्स बाय करेंगे, यानी उनको ये कंपल्शन है, उनको ये या डिटर्मिनेशन है या कंपल्शन है, वो लाएंगे ही लाएंगे टिकट्स, या उनको टिकट्स लानी ही पड़ेंगी। ठीक है। तो यहाँ पे शैल आएगा, दे शैल बाय द टिकट्स। यहाँ पे आई विल गो होम, कंपल्शन, आई विल गो होम। ही शैल बी आवर गाइड, वो हमारा गाइड होगा। अब ये कंपल्शन में होगा, ठीक है, उसको हमें रास्ता दिखाना ही पड़ेगा। आगे यू शैल कम विद मी, तुम मेरे साथ। यू शैल कम विद मी, तुम मेरे साथ आओगे, यानी भी कंपल्शन है, नहीं आना पड़ेगा मेरे साथ। आई विल रिमेंबर इट, ये भी कंपल्शन है, मैं इसको याद रखूँगा। शी शैल कॉल अस, डिटर्मिनेशन कि वो हमें फ़ोन करेगी। वी विल अर्न द मनी, डिटर्मिनेशन या कंपल्शन, हम पैसा कमाएंगे। दे शैल रेस्पेक्ट अस, ये भी कंपल्शन है कि उसको हमें रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। इट शैल नॉट हिंडर अस, ये हमें कोई तकलीफ नहीं पहुँचाएगा, कोई रुकावट नहीं पहुँचाएगा, ये भी एक डिटर्मिनेशन है। वी विल फाइंड इट, डिटर्मिनेशन है, हम उसको ढूँढ लेंगे। यू शैल नॉट रिग्रेट इट, तुम्हें इस पर पछताना नहीं चाहिए, ये भी एक किस्म की कंपल्शन ही है। अब यहाँ पे आप फ्री हो, यहाँ कुछ भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे हम पहले में लगाते हैं, आई शैल गो टू मुंबई नेक्स्ट वीक। आई विल कम इवन इफ इट रेन्स। यू विल ओबे योर टीचर्स। वी शैल गो टू द स्टेशन टू सी आवर फ्रेंड्स। दे शैल प्ले ए फ्रेंडली हॉकी मैच इन द इवनिंग। आई होप यू विल लैंड मी मनी, यहाँ पे विल लगा सकते हैं क्योंकि ये कंपल्शन है। गॉड विलिंग वी शैल मीट अगेन। यू विल थिंक वेरी डिफरेंटली फ्रॉम दिस व्हेन यू आर ओल्डर। ही विल लेफ्ट आफ्टर ए ही विल लीव सॉरी ही विल लीव आफ्टर ए फ्यू मिनट्स। इफ़ यू रन फास्ट यू
शेल कैच द ट्रेन, यानी डिटर्मिनेशन है कि अगर तुम तेज़ दौड़ोगे तो तुम्हें ट्रेन मिल जाएगी। ये आपका होमवर्क है। इसके बाद हमारा देखिए बेटा, जो हमने ये पॉइंट पढ़ी टू द कुकू, इसके डिस्कशन के दो क्वेश्चंस हैं। ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है, ये मैं आपको करवाऊँगी, ठीक है। आज हम पेलिंकन बियर जो है हमने कल पढ़ी, किसने लिखी है ये, सरोजनी नायडू ने। किसके बारे में है, एक दुल्हन के बारे में जिसको पालकी में लिया जा रहा है, और वो दुल्हन जो है कि पुराने ज़माने में पालकी में उसी को लिया जाता था जो कि किसी बड़े घराने की बहू होती थी। इसका मतलब ये बहुत ही अमीर घराने की बहू है, तो जो पालकी उठाने वाले हैं वो बेचारे डरे हुए हैं। और जब ये देखा कि ये दुल्हन जो है मायके से विदा होकर ससुराल जा रही है, और इसके दिल में बहुत उदासी है, खुश भी है और उदास भी है, तो अब ये अपने गानों में जो है इसकी सारी सिचुएशन को बयान करते हैं। ये कैसी है, कैसी नहीं है, इसको हम कैसे उठा रहे हैं ताकि इसको कोई तकलीफ़ ना हो, ये ना फिज़िकली हर्ट हो ना ही इमोशनली हर्ट हो, क्योंकि ये पहले ही अपना मायका छोड़कर बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई है। कोशिश कर रहे थे कि इसको ये जितना हो सके आराम से, प्यार से और इज्जत से अपने ससुराल पहुंचाने की। तो सबसे पहले मैंने इसके आपको दिए हैं, वर्ड मीनिंग, ये इसके वर्ड मीनिंग्स हैं। पहला वर्ड है स्किम, ग्लाइड स्मूथली, यानी हवा में तैरना आहिस्ता आहिस्ता। स्वे, स्वे का भी होता है इसको ऐसे ऐसे घूमना। फोम, जाग, मास ऑफ वेरी स्मॉल बबल्स फॉर्म्ड ऑन द टॉप ऑफ ए लिक्विड। इसके बाद गेली, गेली भी हो गया मेरिली और हैप्पीली, खुशी से। ग्लाइड का मतलब होता है टू मूव ईजिली विदाउट स्टॉपिंग, चलना आहिस्ता आहिस्ता रुकने के बगैर। ड्यू का होता है, ये शबनम का कतरा होता है, ड्यू ड्रॉप ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर। बीम, लाइन ऑफ लाइट, सूरज की एक पूरी लाइन। ब्रू यानी पहाड़ के, जब जो पहाड़ का ऊपर वाला हिस्सा होता है जो हमें लगता है कि आसमान को छू रहा है, वहाँ पे जो उसकी शेप बनती है उसको हम ब्रू कहते हैं, उसको यहाँ पे इन्होंने ब्रू कहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसकी समरी की तरफ। कहता है द पोएम पेलिंकन बियरर्स हैज़ बीन रिटन बाय ए डिस्टिंग्विश्ड पेट्रियट ऑरेटर एंड पोइट, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल थी, बहुत ज़्यादा मतलब काबिल थी, इसलिए इसको एक डिस्टिंग्विश्ड नाम रखा, मतलब सबसे अलग थी ये। पेट्रियट भी थी, मुल्क परस्त थी, अपने मुल्क की लड़ाई आज़ादी के लिए बहुत लड़ा। ऑरेटर, स्पीच इसकी बहुत अच्छी थी, बोलने वाली थी। एंड पोइट, शायर भी थी। द पोएम पेलिंकन बियरर्स कैन बी वेल अंडरस्टूड इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। पेलिंकन बियर जो है ये इसने लिखी है क्योंकि ये इंडिया है, इंडियन है, और इसने इंडियन के इंडियन कल्चर के बारे में ही लिखा है, यानी पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा इसका फैशन था पालकी का।